सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो गाइज कैसे हो आप सभी लोग, होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। एंड गाइज आज की ये वाली वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज सर आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर BGMI एंड उसकी मैं सेटिंग्स भी आप लोगों को आज की वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड गाइज लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर PUBG मोबाइल एंड उसमें आप लोगों के कई सारे डाउट्स थे जो कि मैं आज की इस वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एंड गाइज अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके। एंड गाइज आज की वाली वीडियो में मैं जो लास्ट में आपको बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ जिन्हें आप किसी भी रिकॉर्डर के अंदर अप्लाई कर सकते हो एक स्मूथली गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आप लोगों का गेम प्ले एकदम स्मूथली रिकॉर्ड हो एंड फोन भी ज़्यादा लैग ना करें। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को जो शुरू से लेकर एंड तक के देखना ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। एंड गाइज बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम लोग एक छोटी सी इंट्रो के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज अगेन इस वाली वीडियो में भी मैं वही कहूंगा कि जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला था स्क्रीन रिकॉर्डर की, जो गाइज बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है वो है हमारा ADV स्क्रीन रिकॉर्डर, जिसके अंदर आप लोगों को साइज भी कम देखने को मिलता है। एंड गाइज उसके साथ साथ ही आप लोगों को बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल के दे देता है एंड बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग भी अच्छी खासी क्वालिटी में करके दे देता है। एंड गाइज अगर हम लोग बात कर ले कि अगर आप लोगों को ADV यूज़ नहीं करना है तो आप कौन सा रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो, सो गाइज मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ADV के अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक सेकेंडरी देखना चाहो तो अगर आप ADV आपके फ़ोन में अच्छा नहीं चलता है सो आप स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डर है वो भी। बट गाइज मैं तो आपको पर्सनली ADV प्रीफर करूँगा कि आप पहले ADV यूज़ करो एंड गाइज उसके बाद आप लोग उस पर शिफ्ट करो अगर आपको ADV अच्छा नहीं चलता है तभी। सो गाइज फाइनली देख सकते हो ADV स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है। एंड गाइज इसके बाद आप लोग जो है प्ले स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर लो एंड उसके बाद मैं फटाफट से आप लोगों को इसकी जो है सेटिंग्स वीडियो में आगे फटाफट से जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड गाइज ये जो सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये आप लोग किसी भी रिकॉर्डर के अंदर कर सकते हो एक अच्छे गेम पे रिकॉर्ड करने के लिए। सो गाइज अगर आप दूसरे रिकॉर्डर्स यूज़ करते हो तो आप उनमें भी ये वाली सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज फाइनली देख सकते हो मैंने कर लिया इसे इंस्टॉल एंड इसके बाद मैं फाइनली इसे कर लेता हूँ फटाफट से ओपन। एंड ओपन करने के बाद इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखता है आपको, ये आपकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग से जो आपने पहले से कर रखी है। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में। एंड गाइज देखो रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट करने के प्रोसेस आप सभी लोगों को पता रहती है तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताने वाला। इसके बाद यहाँ पे आएगा शो 3 सेकंड काउंटडाउन, इसे आपने ऑफ रहने देना है। उसके बाद गाइस जो आप लोगों का कंट्रोलर रहता है जिसको मैजिक बटन बोला जाता है तो वो वाली सेटिंग्स कई लोगों को समझ में नहीं आती कि उसे कैसे हाइड करना है। सो उसके लिए ये जो मैजिक बटन सेटिंग है इस पर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है एंड इसकी जो ओपेसिटी रहती है उसे आप लोगों ने जो है जीरो कर देना है। आपकी 100 होगी तो देख सकते हैं मैजिक बटन मेरा शो हो रहा है, मैं इसे जैसे जीरो करूँगा मेरा मैजिक बटन जो है गायब हो जाएगा। एंड गाइस अगर आपको इसके बाद रिकॉर्डिंग वगैरह स्टॉप वगैरह करनी तो जहाँ पे आपने उसे लास्ट टाइम छोड़ा था आपने सिंपली वहाँ पे क्लिक करके आप इसे स्टॉप या पॉज कर सकते हो, या आप सिंपली नोटिफिकेशन पैनल से भी इसे स्टॉप कर सकते हो। सो देख सकते हो इसे आप लोगों ने सिंपली कर देना है जीरो एंड आपका ये जो है गायब हो जाने वाला है एकदम से। एंड उसके बाद की सेटिंग्स गाइज मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बता देता हूँ। सो गाइज इसके बाद आती है हमारी मेन सेटिंग्स जो कि है यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो स्टॉप ऑप्शन है इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड रिकॉर्डिंग इंजन को अपने न्यू एडवांस इंजन पे रहने देना है। आप लेगेसी इंजन भी कर सकते हो अगर उस पर आपका अच्छा चलता है तो आप उस पर रहने देना। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम हमारी अगली सेटिंग्स की तरफ तो जो कि हमारा स्टॉप का ऑप्शन। एंड स्टॉप ऑप्शन जो है आप लोगों ने स्टॉप बाय नोटिफिकेशन ही रहने देना है एंड स्टॉप ऑन स्क्रीन ऑफ पे आपको ऑफ रहने देना है। एंड उसके बाद आ जाता है वीडियो रेजोल्यूशन जो कि आपको रखना है 720p 1080p पे का इस लैग हो जाता है अपना गेम जो है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको 720p रिकमेंड करूंगा। एंड उसके बाद आता है वीडियो बिटरेट जो कि आपने 6 Mbps रखना है, इससे कम आप लोगों ने नहीं रखना, ज़्यादा रखना है तो रख सकते हो। FPS आपने रखना है 30 FPS। एंड इसके बाद वीडियो का ओरिएंटेशन आपने रखना है लैंडस्केप। एंड इसके बाद की जो सेटिंग्स है रिकॉर्ड ऑडियो को आपने इंटरनल कर देना है एंड इसमें आपको सिर्फ इंटरनल ऑडियो का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, इंटरनल प्लस माइक का सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप इसे इंटरनल कर देना एंड इसके बाद ओके कर देना है सिंपली। एंड उसके बाद की सेटिंग्स आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, उनको जैसा कि वैसा ही आप लोगों ने रहने देना है। एंड इसके बाद सिंपली आप लोगों ने आ जाना है बैक
एंड गाइज बैक आने के बाद आप लोगों को जो है अगर रिकॉर्डिंग वगैरह स्टॉप वगैरह करनी है तो उसके लिए भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। एंड अगर आपको रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करना है तो आपने सिंपली से प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ऊपर जाके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। एंड आप क्रॉप करना चाहो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। एंड उसके बाद सिंपली आपने आना है बैक। एंड अगर आपको रिकॉर्डिंग पॉज करनी है तो जहाँ पे आप लोगों ने लास्ट टाइम पे मैजिक बटन को छोड़ा था आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से चार ऑप्शन दिखेंगे। तो पहला आपका पॉज का ऑप्शन है, सेकंड आपका स्टॉप का ऑप्शन है, थर्ड आपका वेबकैम वाला है, एंड फोर्थ वाला जो आपका ड्रॉ का ऑप्शन है। तो आप चारों को यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एंड मैं अभी सिंपली इसे स्टॉप कर देता हूँ। सो फाइनली देख सकते हो गाइस पूरी सेटिंग्स अब हो चुकी है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं उन बंदों की जिनके साथ कुछ ग्लिचेस वगैरह हो रहे हैं इस रिकॉर्डर को यूज़ करने पे, जो कि यानी कॉमन से ग्लिचेस है। तो देख सकते हो गाइस अगर आप लोगों को उन ग्लिचेस को फिक्स करना है तो गाइस आप सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इंस्टॉल करो या इसका लेटेस्ट वर्जन मत यूज़ करो, आप इसके प्रीवियस वर्जन को ट्राई करो अगर आपका उनमें ग्लिचेस नहीं होते तो। एंड गाइस अगर फिर भी ग्लिचेस होते तो आप लोग जो हमारा दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर है जो कि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स, आप उसे ट्राई कर सकते हो ताकि आप लोगों के साथ कोई भी तरीके के ग्लिचेस नहीं हो। एंड अगर स्टिल आपको उसमें भी ग्लिचेस फेस करने को पड़ रहे तो आप लोग अपने फोन का डिफॉल्ट रिकॉर्डर यूज़ करो, 100% उसमें आपको किसी भी तरीके के ग्लिचेस देखने को नहीं मिलने वाले। तो गाइस जैसा आज की ये वाली वीडियो में होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जोर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी जोर से दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस छोटी सी आउटर के साथ साइनिंग ऑफ।